सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, सामने आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन कंटिन्यू देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि सीजी व्यापम के एक एग्जाम में पूछा गया था। इसमें 30 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, DOS का पूर्ण रूप है। तो देखिए, डॉस जो है उसका पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी क्रोम आ जाएगा। क्रोम जो है वो आपका वेब ब्राउजर है। क्या है वो? ब्राउजर है वो। बाकी जो एमएस विंडोज, विंडोज एनटी और सोलारिस जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें जो है क्रोम आपका वेब ब्राउजर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो लिनक्स एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी को पता है। और किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो? वो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और ओपन सोर्स किसे कहा जाता है? तो ओपन सोर्स कहने का मतलब ये है कि उसके सोर्स कोड में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके सोर्स कोड में चेंजेस किया जा सकता है, तो वो हो जाता है आपका ओपन सोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। विंडोज, मैक, माइक्रोसॉफ्ट ये सभी ओपन सोर्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है? तो देखिए, मेमोरी कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो मेमोरी कैपेसिटी में ब्लू रे डिस्क की मेमोरी कैपेसिटी जो है इन सभी से अधिकतम होती है। जैसे कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, डीवीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी रोम, डीवीडी आरएएम, तो इनके जो अपेक्षा ब्लू रे डिस्क की जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी होती है और इसकी लगभग 25 GB के आसपास होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से खाली स्थान को छोड़ बाकी सभी रिमूवल मीडिया में आते हैं। देखिए, रिमूवल मीडिया कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका सेंस है यहाँ पर जिसके डाटा में चेंजेस किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो CD-ROM जो है इसके डाटा में चेंजेस नहीं किया जाता, रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है इसे। फिर डिस्केट है, इसमें भी नहीं, ना ही DVD के डाटा में चेंजेस करते हैं। चेंजेस किया जा सकता है हार्ड डिस्क ड्राइव के, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसके डाटा में चेंजेस किया जा सकता है, इसलिए हम इसे रिमूवल मीडिया डिस्क कह सकते हैं और इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, इसमें भी ये सुविधाजनक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। CDs और DVDs किस प्रकार के यंत्र है? तो CDs और DVDs आप सभी को पता है वो क्या है, स्टोरेज है। स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है CDs और DVDs का, तो मेमोरी स्टोरेज यहाँ पर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर ये सभी क्या है, आप सभी को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है अपने चैनल पर, आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पर जाने पर। फिलहाल देखिए, प्रिंटर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। CPU का पूर्ण रूप है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर से देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो किस प्रकार है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो ये जो है आपको नाम क्लियर होना चाहिए एकदम पता, कि आपको एग्जाम में जैसे ही दिखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप वहां पे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कंप्यूटर का ALU यूनिट, तो देखिए कंप्यूटर का ALU यूनिट का काम क्या है वो पूछा है इसमें। तो जोड़ और घटाव करना और सभी प्रकार के अंक गणितीय ऑपरेशन करना और तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, तो ये तीनों चीज है
ये कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं अगला प्रश्न। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 60। कंप्यूटर शुरू करते समय खाली स्थान वायरस एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो वायरस एग्जीक्यूट होता है, जो कंप्यूटर पे रहता है, वो वायरस है। अगर कंप्यूटर पे वायरस आ गया, बूट सेक्टर वायरस, तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। और किस समय होता है? तो कंप्यूटर जिस समय शुरू करते हैं उस समय। फिर क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का आकार है, तो खाली स्थान है तो क्या है? तो आपने देखा ही होगा LCD मॉनिटर, LCD जो रहता है आपका, वो क्या रहता है? फ्लैट रहता है, चाहे टीवी की बात करें या मॉनिटर की बात करें। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, फ्लैट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 62। खाली स्थान एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर्स दोनों को प्रभावित करता है, तो क्या चीज है जो दोनों को प्रभावित करता है? तो मल्टीपार्टाइट वायरस। ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपार्टाइट वायरस जो है वो दोनों को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, एक मशीन से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा TCP या फिर IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर SMTP, एक मशीन से दूसरे मशीन में मेल ट्रांसफर करने के लिए SMTP TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा भरोसा होता है? तो टोपोलॉजी में जो भरोसे की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मेश टोपोलॉजी में सर्वाधिक भरोसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक फॉर पार्ट स्ट्रिंग खाली स्थान कहा जाता है। तो जो ये है, इसे कहा जाता है IP एड्रेस। इंटरनेट से अगर जुड़ा है कंप्यूटर और उसे पहचानना है हमें, तो जो यूनिक फॉर पार्ट स्ट्रिंग है, IP एड्रेस होता है, जो कि यूजर को एक स्पेसिफिक टाइम पे रेंडम IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, और पर्टिकुलर उस टाइम पे जो IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है उसी के माध्यम से यूजर की पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 66। वेब सर्च इंजन खाली स्थान के द्वारा बहुत से वेब पेज की सूचना एकत्रित करता है। तो वेब सर्च इंजन जो है, वेब क्रॉलर के माध्यम से वो जो है वेब पेज में सूचना को एकत्रित करता है। तो किसके सहयोग से करता है वेब सर्च इंजन? वेब क्रॉलर के माध्यम से। फिर हम लोग बात करेंगे 67 नंबर की क्वेश्चन। याहू, इंफोसिक और लिकोस खाली स्थान है। तो देखिए, याहू, इंफोसिक और लिकोस जो है वो एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये तीनों क्या है? सर्च इंजन है। साथ ही गूगल भी क्या है? एक सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। डेट, टाइम और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने वाले नॉन वोलेटाइल चिप का क्या नाम है? तो इसे कहा जाता है CMOS। ऑप्शन नंबर बी, CMOS, CMOS, CMOS के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, अगर जनरली आप कंप्यूटर पे देखेंगे और कर्सर को आप स्टार्टिंग पे लाना चाहते हैं, तो आप होम बटन प्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, होम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग कर्सर पर क्लिप बोर्ड की कंटेंट को खाली स्थान करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल वी हम पेस्ट करने के लिए करते हैं। कोई भी चीज अगर हमने कॉपी किया है, उसे पेस्ट करना होगा, तो हम कंट्रोल वी दबाते हैं। कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और कंट्रोल जेड से अंडू किया जाता है। तो शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। किस मेनू में आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट आदि जैसी सुविधाएं पा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, एमएस ऑफिस की बात चल रही है, और इसमें जो है फॉर्मेट मेनू में, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, फॉर्मेट मेनू में ये सभी चीज आपको मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो आप सभी को पता है, दूरसंचार के क्षेत्र में तो होता ही है, बैंकिंग में आपने देखा ही है, बैंकिंग क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग है, चिकित्सा में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
तीनों जगह में जो है यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग हो रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये जो है कंप्यूटर का प्रमुख भाग है। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसको हम बैकअप के लिए रखते हैं। अगर बिजली चली जाती है, लाइट गोल हो जाता है या लाइट ऑफ हो जाता है, उस समय के सिचुएशन में हम बैकअप के लिए जो हमारा एक इन्वर्टर के रूप में काम करता है यूपीएस, वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी कंप्यूटर का भाग है। सीयू भी कंप्यूटर का भाग है, इसका हम अलग से उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? देखिए कंप्यूटर क्या होता है, डेटा संग्रहण करता है, डेटा भंडारण करता है, डेटा प्रोसेसिंग करता है, बट डेटा एनालाइज नहीं करता, डेटा विश्लेषण नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं मेनली, तो इसमें जो है डेजी व्हील जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इंकजेट, लेजर, थर्मल प्रिंटर ये सभी क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंकजेट प्रिंटर का वर्गीकरण कर सकते हैं? तो देखिए इंकजेट प्रिंटर का जो वर्गीकरण होता है वो लाइन प्रिंटर के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन किया जा सकता है। तो देखिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स या चित्र का उत्पादन जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर के माध्यम से होता है। इसके ग्राफिक्स जो होते हैं बाकियों की तुलना में काफी अच्छे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78, डॉट पीएनजी खाली स्थान को सूचित करता है। तो देखिए डॉट पीएनजी जो है वो है आपका एक इमेज फॉर्मेट, क्या है वो, इमेज फाइल है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, एक वीडियो खाली स्थान के सीक्वेंस का बना होता है। तो कोई भी वीडियो आप जो देखते हैं वो किस सीक्वेंस में बना होता है, फ्रेम के सीक्वेंस में, एक फ्रेम, दो फ्रेम, तीन फ्रेम, कुछ इस प्रकार से कंटिन्यू फ्रेम चेंज होते हैं, उससे आप वीडियो के रूप में देख पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, वीडियो कंप्रेस के लिए खाली स्थान का उपयोग होता है। तो वीडियो कंप्रेस के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसके मुताबिक ऑप्शन नंबर ए एमपीईजी का उपयोग किया जाता है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन है और जो सीजी व्यापक के द्वारा आंसर लिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको आंसर बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा एमपीईजी। तो देखिए इसमें हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मे बी ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए आपके आने वाले एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।